मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की, कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो मौसम विभाग का अलर्ट, देश के इन राज्यों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ होगी बारिश। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है जिससे लोग परेशान है, वही मौसम विभाग यानी IMD ने आज भी पूरे देश के कई राज्यों में यहाँ पर लू और गर्मी जारी रहने की संभावना जताई है। वह कड़ी धूप के साथ गर्म हवाओं के चलते गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वही अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर इन इलाकों में 3 से 4 दिन तक मौसम यहाँ पर साफ रहेगा और तेज यहाँ पर धूप निकलेगी यानी तेज धूप निकलेगी। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी के आसार है जिसकी वजह से लू चलने की स्थिति बनी रह सकती है। वही मौसम विभाग के मुताबिक इन जगहों पर 3 दिन तक राहत के कोई आसार नहीं है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से तेज हवा चलने पर गर्मी से आंशिक रूप से राहत मिल सकती है। हालांकि बारिश होने की संभावना इस हफ्ते में भी यहाँ पर नहीं है। वह मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज भी यहाँ पर आसमान साफ रहेगा, कुछ जगह पर लू चलने के आसार है। आज इन इलाकों में अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहने के आसार है। वही मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में आज और कल सामान्य से ज्यादा तेज यहाँ पर गर्म हवाएं चलेगी। वही हीटवेव के कारण तापमान में बढ़ोतरी होगी। वही मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते दिल्ली का तापमान एक बार फिर 40 डिग्री पार जा सकता है। वही मौसम विभाग का कहना है कि लू चलने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम यहाँ पर 23 से 26 के आसपास, अधिकतम 40 से लगाकर 43 डिग्री के आसपास रह सकता है। वही मौसम विज्ञान विभाग की ओर से आज से अगले 5 दिनों तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज और कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर धूल भरी हवाएं चलने की संभावना जताई है। लू कैसा यहाँ पर जताया है। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4 दिनों तक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कई जगह पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताए गए, यानी इलाकों में हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से अपडेट यहां पर दिया गया है। बात करते हैं अब राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मौसम अपडेट की, तो तब इससे आज मिलेगी राहत। अगले 3 दिन के इलाकों में है बारिश की संभावना। तपिश और गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल मौसम विभाग केंद्र श्रीनगर ने आज यानी 19 से 21 अप्रैल तक प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसका यहां पर असर कश्मीर संभाग पर देखने स्टार्ट होगा, मतलब दिखने को मिलेगा। वही आज मंगलवार को कश्मीर कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इस बीच सोमवार से को प्रदेश में मौसम साफ रहा था और कई इलाकों में यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 7-9 डिग्री पर चल रहा है। अगले दिन तक यहाँ पर मौसम खराब रहने की सूरत में जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसका असर पड़ सकता है। खासतौर पर रामबन और बनिहाल के बीच बारिश के भूस्खलन से पहाड़ी पत्थर गिरने की संभावना रहेगी, यानी इसका खतरा यहाँ पर रहेगा। वही जम्मू में कल रात यहाँ पर मौसम साफ रहा, इस दिन यहाँ पर दिन चढ़ने के साथ गर्मी ने रंग दिखाया और दोपहर तेज धूप के बाद यहाँ पर धूप निकली। इसके बाद यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 से 4 डिग्री चढ़कर 38 डिग्री के आसपास यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान भी 22 के आसपास इन इलाकों में चल रहा है। यानी कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर जो संभाग है, जम्मू और कश्मीर संभाग है, यहाँ पर अभी फिलहाल गर्मी है जिससे यहाँ पर लोगों को आज बारिश होने से राहत के आसार यहाँ पर जताए गए, यानी गर्मी से यहाँ पर राहत लोगों को मिलने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो गर्मी के सीजन की पहली बारिश 21 अप्रैल को मौसम विभाग ने इसको लेकर जारी किया है अलर्ट। मौसम विभाग की ताजी भविष्यवाणी और यूपी की जनता है उनके लिए राहत पहुंचाने वाले निकलकर सामने आ रही। दरअसल मौसम विभाग की ओर से जो ताजा भविष्यवाणी की गई है इसके अनुसार 21 अप्रैल को यूपी के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। ऐसी संभावना है कि बारिश पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी के कई जिलों में होगी। बताया जा रहा है कि बारिश जोरदार नहीं है बल्कि हल्की फुल्की होगी। वही मौसम विभाग की सूचना के बाद आम जनता को काफी यहां पर राहत महसूस आम जनता कर रही है। इस बारिश से अप्रैल माह में यहां पर भारी गर्मी और लू से राहत मिलेगी। वही 21 अप्रैल को बारिश के बाद 22 अप्रैल तक इसका असर यहां पर बना रहेगा। एक बार फिर मौसम में उग्र रूप से जो परिवर्तन है वो देखने को मिलेगा। वही लखनऊ स्थित मौसम विभाग के निदेशक JP गुप्ता ने बताया है कि
गर्मी के सीजन की पहली बारिश 21 अप्रैल को संभव है। वही पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ये बारिश होगी। हालांकि यूपी के कुछ जिलों में बारिश की संभावना 22 अप्रैल को भी रहेगी। वही 23 अप्रैल से मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन इस दिन भी यहाँ पर अधिक गर्मी नहीं होगी, राहत होगी। और बारिश की मूल वजह पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता होगी, इस वजह से मौसम में ये जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। वही इस वक्त यूपी के कई शहरों में गर्मी यहाँ पर तेज बढ़ रही है। कुछ नहीं कह सकते कि तापमान कितना, यहाँ पर गर्मी बहुत तेज बढ़ रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार कल कानपुर और झांसी का अधिकतम तापमान 44 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। वाराणसी, प्रयागराज और सुल्तानपुर और रायबरेली, आगरा में दिन का तापमान 43 डिग्री के पार दर्ज किया गया। नजीबाबाद और मुजफ्फरनगर और बरेली में ही तापमान 40 डिग्री से नीचे रहा है। वही उत्तर प्रदेश में 15 जून के बाद मानसून प्रवेश होगा। वही मानसून के आगमन के बाद तपती गर्मी से लोगों को राहत मिल सकेगी। वही मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मई महीने में भरपूर गर्मी देखने को मिलेगी। हालांकि बीच बीच में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी और थोड़ी बहुत यहां पर हल्की बारिश से लोगों को कुछ राहत यूपी के लोगों को जरूर मिलेगी, ये मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है। बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो हीटवेव करेगी परेशान, मगर 20 अप्रैल से मौसम में फिर होगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश में पिछले सप्ते मौसम सुहाना हो गया था। वही पहाड़ों पर ठंडी हवा और बारिश के कारण ना सिर्फ गर्मी से लोगों को राहत मिलती बल्कि घूमने आए जो पर्यटक है वो भी इसका मजा ले रहे थे, उनका मजा भी यहाँ पर दुगना हो गया था। मगर अब मौसम करवट बदलने के आसार है, यानी मौसम करवट बदलने को बरकरार है। वही मौसम विभाग के अनुसार आज पहाड़ों पर मौसम बदल जाएगा। वही मौसम कुछ इलाकों में साफ रहेगा। वही 20 अप्रैल के बाद एक बार फिर मौसम यहाँ पर पलट जाएगा और 20 और 21 को बारिश का दौर जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाएगा, यानी बारिश तेज होगी। वही हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग केंद्र की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक आज तो यहाँ पर कुछ इलाकों में साफ रहेगा, वहीं कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके कारण पहाड़ों में सभी जगह पर सूर्य की तपिश बढ़ जाएगी, इससे तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी। और दूसरी तरफ 20 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि 20 अप्रैल से दो महीने के बाद जो यहाँ पर गर्मी का जो असर है, दो महीने बाद डाइसपोल जो है वो खत्म हो जाएगा। साथ ही ऐसा होने से यहाँ पर एप्पल की जो खेती है, यानी सेब की जो खेती है, उनको फायदा होगा। वही फूलों के दौर के बाद अब फलों का समय यहाँ पर हो गया है, इससे एप्पल बिजनेस का भी असर, इसका मतलब जो सेब की खेती है उसको असर इसको देखने में मिलेगा। वही बिजनेस की दिक्कतों को लोगों को यहाँ पर जो खत्म हो जाएगी बिजनेस। वही यहाँ पर शिमला में तापमान रहा है 25.2 डिग्री अधिकतम रहा है और बातूर में 34 और कल्पा में 31 और धर्मशाला में 32 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वही कांगड़ा में 34 और मंडी में 33 और बिलासपुर और हमीरपुर में तापमान 34-35 के आसपास रहा, यानी तापमान फिलहाल यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन बारिश के बाद लोगों को राहत मिलेगी।